दोस्तों, आज मैं आप सबों के बीच में पुनः हाजिर हूं और एक नया वीडियो लेकर आया हूं। पिछला वीडियो में मैंने दिखाया था लीक 52 के विषय में, जो कुछ अधूरा रह गया था उसी को मैंने पूरा आज कर दूंगा। ये लीक 52 आप देख रहे हैं, इसका टैबलेट भी आता है और इसका सिरप भी आता है। ये बिल्कुल आयुर्वेदिक है, आप देख ले रहे होंगे। ये हिमालया कंपनी का आता है और हिमालया बहुत ही बढ़िया कंपनी है और आयुर्वेद से संबंध रखता है। ये एलोपैथ से बिल्कुल हट करके है। अब आपका दिमाग में ये आता होगा कि ये दवा हम क्यों खाएं, क्यों पिए, तो ये आप समझ लीजिए इसको, लीक 52 क्यों पिया जाता है। आप देख रहे होंगे कि किसी का ज्वाइंडिस हो जाता है, पेशाब पीला हो जाता है, आंख पीला हो जाता है और बहुत कुछ लोगों को ये भी हो जाता है कि बुखार होने के बाद अगर इलाज सही नहीं हो पाया तो उसको ज्वाइंडिस पकड़ लेता है। उस स्थिति में ये दवा पीने से बिल्कुल बुखार और ज्वाइंडिस दूर हो जाएगा, आंख में जो पीलापन रहता है वो दूर हो जाएगा, पेशाब में जो पीलापन आता है वो भी दूर हो जाएगा। ये साथ साथ एक और काम करता है कि आपका लीवर को बिल्कुल ठीक रखता है। इसको पीने से भूख लगेगा, पाचन क्रिया बिल्कुल ठीक कर देगा और बिल्कुल आपको स्वस्थ महसूस होगा। दोस्तों, ये आप अपने घर में हमेशा रखें। जब कभी आपको वैसा महसूस हो, पेशाब में पीलापन आता हो या आंख में थोड़ा पीलापन आ गया हो या बुखार नहीं हट रहा हो, तो वैसे स्थिति में आप इसको ले सकते हैं। इसका टैबलेट भी आता है, उसको भी ले सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने टैबलेट के विषय में दिखाया था, वो देख लिए होंगे। तो आज केवल मैं सिरप के विषय में बता रहा हूँ, ये केवल सिरप है। आप इसको बच्चे, बड़े, बूढ़े कोई भी ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा को अगर देना है तो उसको 2.5 से 5 ml दें और उससे बड़ा बच्चा को देना है तो 5 से 7.5 से 7.5 ml दें, और अगर 40 साल से अधिक उम्र के कोई व्यक्ति हो तो उसको 10 ml सुबह शाम दें। बिल्कुल आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आंख का पीलापन दूर हो जाएगा, पेशाब का पीलापन हट जाएगा और बुखार हो रहा हो तो बुखार की दवा के साथ साथ इसको भी लें, बिल्कुल बुखार हट जाएगा। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट भी करें। अगर अन्य किसी तरह के बीमारी से आप परेशान हैं तो कमेंट करके हमें बतावें, मैं आपका बीमारी को दूर करने के लिए यथासंभव कोशिश करता रहूंगा। धन्यवाद।